But that opened that time, but it was participants are there. Thank you so much. Good evening. Good evening, sir. Very dear students. I don't know why you were not able to enter the meeting. I was there at 9. अरे एक फ्रेश लिंक शेयर कर दीजिए वो कोई और लिंक शेयर किया हुआ है हो सकता है इस वजह से नहीं हो पा रहा Then now it is okay. I in fact opened it in a different way today. आज मैंने अलग ढंग से Zoom start किया था अभी and I hope it was the reason why you could not get into the meeting. Good evening, sir. Very good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, gentlemen. And ladies, Raju, Himanshu, Pankaj, Shreya, Sukesh, Vani, Satyam, Krishna. Good evening, sir. Very good evening. Very, very good evening, everyone. I think we should wait for, we are already late. It is 9:08. So I should start the discussion. Ab chuke der ho gayi hai pehle se hi. तो अब देर नहीं करना चाहिए हम लोगों को और शुरू करना चाहिए आज का क्लास. आज हम लोगों के एजेंडे में दो चीजें हैं. एक फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का इंट्रोडक्टरी क्लास है आज और दूसरा जो मैंने पहले बताया है कि एक परमानेंट होमवर्क है तुम्हारा दैट इज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. एक लेसन उसका हम लोग कल जैसा नहीं Today it will be faster. आज थोड़ा तेज काम करेंगे हम लोग. What happened? Okay, okay. ठीक है. तो ये दो काम है हम लोगों को करना है. हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास और ये रहा पहला स्क्रीन आज आपके सामने. Can you see the screen, please? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. One thing that I want to start my lecture with, एक बात से जो मैं क्लास शुरू करना चाहता हूं अपना वो है वर्ब के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना कि इंग्लिश ग्रामर में अगर किसी एक कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कॉन्सेप्ट है Your answer should be verbs. ये verb को सिर्फ एक part of speech के तौर पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम लोग जानेंगे कि verb in fact एक बहुत ही wide sense में use किया जाने वाला concept है. मैं कभी और बात करूंगा लेकिन आज लिख के बता देता हूं कि verb एक part of speech है. बिल्कुल सही बात. verb के application की बात जब मैं करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि वर्ब का यूज हम टेंस में करते हैं. टेंस इज इम्पॉसिबल विदाउट वर्ब्स. वर्ब की वजह से ही हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस बना पाते हैं. यानी एक्टिव और पैसिव किसी सेंटेंस का होना वर्ब पे डिपेंड करता है. वर्ब से ही हम लोगों को सेंटेंस के वर्ब का मूड समझ में आता है. वर्ब से ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और वर्ब का ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट जिसमें हम लोग तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स सीखेंगे. बहुत छोटे टूल्स का मतलब वैसे छोटे छोटे टूल्स जिनकी मदद से हम अंग्रेजी लिख पाते हैं बोल पाते हैं या अपनी बात समझा पाते हैं. तो नॉन फाइनाइट में है इंफिनिटिव. नॉन फाइनाइट में है जेरंड. नॉन फाइनाइट में है पार्टिसिपल. और ऐसे देखा जाए तो नरेशन जो स्पीच है उसमें भी वर्ब का ही एक इंपॉर्टेंट रोल है. वर्ब का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है. सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इफ यू नो वर्ब वेल यू नो अराउंड 70% ऑफ द इंग्लिश ग्रामर वेल. दिस इज व्हाई My focus has always been on giving you
डिटेल्ड डिस्कशन, बहुत विस्तार से तुमको वर्क के बारे में पढ़ा दूं, ताकि तुम्हें आने वाले दिनों में जब तुम एग्जामिनेशन में बैठो तो तुम्हें कुछ परेशानी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़े। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये दिखाते हैं आज का जो हम लोगों का डिस्कशन का पहलू है। सबसे पहली बात वो ये है कि मेरा नाम है अब्दुल्ला कैफी और ये नंबर है मेरा 7549275889। व्हाट्सएप के लिए ये नंबर स्पेशली मैं यूज करता हूं, ऐसे बात भी हो सकती है। और आपका आपके क्वेश्चंस और डाउट के साथ इस नंबर पे 24/7 वेलकम है। आप अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं, जैसे ही मैं क्लास से फ्री हूंगा मैं डाउट्स आपके डिस्कस करूंगा आपके साथ। आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक है उसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत की है ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, बातचीत की हम लोगों ने उसके बाद लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब के बारे में, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब कहते हैं, उसके 5 फॉर्म के बारे में। आज हम लोग शुरू करेंगे डिस्कशन अपना फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं, ये सॉरी फॉर दिस, उसको रिज्यूम करता हूं। पहले ये 3 सेंटेंसेस तुम्हारे सामने हैं, क्या तुम देख सकते हो सभी बच्चे? यस सर। ओके, रीड द सेंटेंसेस साइलेंटली एंड फील अ रिएक्शन इफ एनी, बट कीप साइलेंस। पढ़ो इन सेंटेंसेस को और तुम अपने अंदर देखो कि क्या प्रतिक्रिया पैदा होती है इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद, लेकिन अभी चुप रहना है। हम 30 सेकेंड्स का टाइम देते हैं तुमको इन सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर ये सेंटेंसेस जो तुम्हारे सामने हैं, अगर इनको मैं कहूं कि ये तीनों सेंटेंसेस ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही हैं, तो तुम आज का आज मेरा क्लास छोड़ के चले जाओगे या चले जाना चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये इतना बेसिक सेंटेंसेस है और इन छोटे छोटे सेंटेंसेस में ग्रामर का ब्लंडर्स किया हुआ है, ब्लंडर्स, बड़ी बड़ी गलतियां की गई। तो सबसे पहले हम ये समझाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपने बच्चों से कि क्या इन 3 सेंटेंसेस में कोई सेंटेंस तुम्हें गलत भी दिखता है, रॉन्ग? यस सर। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड रॉन्ग सेंटेंसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट सही है, द फर्स्ट वन इज राइट। पहला सेंटेंस सही है बच्चों के लिए? यस सर, है ना। फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यहां पे फोकस करना है सेंटेंस के वर्ब को। आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, इस सेंटेंस का जो वर्ब है मेन वर्ब, जिसको देख के मुझे टेंस का पता चल रहा है, वो है वॉन्ट। वॉन्ट वर्ब का पहला फॉर्म है और वर्ब के पहले फॉर्म को हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसके अंदर हर वर्ब के पहले फॉर्म में डू होता है और वर्ब का पहले फॉर्म से जब डू हम बाहर कर देते हैं तो वी वन ही रहता है। डू जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक सेकंड, तो इस सेंटेंस को देख के मुझे क्या पता चला? डू, यानी इसका टाइम है प्रेजेंट। डू एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिससे हमको प्रेजेंट टाइम का पता चलता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये है इंडेफिनिट। तो ये दोनों मिलकर के पता चला व्हाट टेंस का पता तुम्हें बता रहा है। हम एक अलग अंदाज से तुमको पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से समझोगे। अब जिस वर्ब को देख के तुम्हें टेंस का पता चल जा रहा है, वो वर्ब
टेंस के साथ बदलेगा। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर मैं इसको पास्ट टेंस में ले जाना चाहता हूं तो जाहिर है कि वांट बदल के वांटेड हो जाएगा। तो एक बात हम साबित कर रहे हैं यहां पे कि इस वर्ब के अंदर टेंस का पता चल रहा है मुझे, यानी टेंस अगर बदल दिया मैंने तो ये वर्ब भी बदल जाएगा। और दूसरी बात कि आई वांट में वांट का सब्जेक्ट कौन है? आई। ये समझना है साथ साथ हम लोगों को कि जब भी कभी किसी वर्ब को देख करके तुम्हें उसका सब्जेक्ट भी पता चल जाए, जिस वर्ब को देखो तो, और साथ साथ तुम्हें उसके सब्जेक्ट का भी पता चल जाए कि उसका कोई सब्जेक्ट भी है, तो वैसे किसी भी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक वर्ब जो तुम्हें टेंस का और सब्जेक्ट का पता देता है, फाइनाइट वर्ब है वो, कंट्रोल्ड है, लिमिटेड बाय द टेंस, सब्जेक्ट एंड इट्स पर्सन एंड नंबर। सब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, एक एक बात समझाऊंगा मैं, कोई बच्चा परेशान बिल्कुल नहीं होगा। सब्जेक्ट देख करके मुझे सब्जेक्ट का पर्सन पता चलता है और सब्जेक्ट देख के मुझे सब्जेक्ट का नंबर पता चलता है। तो जिस सेंटेंस को देखकर सब्जेक्ट का पता चल जाए या उसके टेंस का पता चल जाए वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है। अब देखो इस सेंटेंस को तुमने गलत क्यों कहा, क्योंकि इस सेंटेंस में तुमने देखा कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है ही। हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई पर्सन और नंबर होता है। दुनिया में जितने सेंटेंसेस होंगे सभी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो तीन में से किसी एक पर्सन को बिलोंग करेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और हर एक पर्सन का दो नंबर होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो मैं ये जानता हूं कि वॉन्ट जो कि वर्ब का पहला फॉर्म है वो किसी भी सूरत में, इन एनी केस, इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं हो सकता है। इस ही की वजह से वॉन्ट को मुझे बदल के क्या करना चाहिए था? वॉन्ट्स। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सेंटेंस नंबर टू को तुमने कहा था गलत है तो क्यों कहा था गलत है? तुम कहोगे सर वर्ब को देख के कहा था गलत है। और वर्ब में क्या देखा तुमने? तो तुमने देखा कि जो सब्जेक्ट है इस वर्ब का वो इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच आपस में तालमेल नहीं था। क्या नहीं था? इस सब्जेक्ट को कहा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल वर्ब होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, स्पेशली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा अगर, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और सिंगुलर करने के लिए किसी भी वर्ब को उसमें हम एस ऐड करते हैं। तो जब मैं वांट की जगह वांट्स कर दूंगा तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ही वांट्स टू रीड दिस बुक। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि वांट्स को देख के तुम्हें कोई टेंस का पता चल रहा है? कोई एक आंसर कर दो, हाँ या ना। हाँ सर। यस, ये वांट्स क्या है? वर्ब का पांचवा फॉर्म है। और वर्ब के पांचवे फॉर्म में कौन सा ऑक्सिलरी होता है? और डस को जब मैं बाहर कर दूंगा तो V5 क्या हो जाएगा? V1। डस को देख के क्या पता चला तुम्हें? बोलो एक बार। प्रेजेंट। V1 देख के क्या पता चला तुम्हें? इंडिफिनिट। इन दोनों को मिला करके मुझे समझ में आ गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इससे टेंस का पता चला। और मैं फिर दूसरा सवाल करता हूं कि इसमें वांट्स का सब्जेक्ट कौन है? तो बोलोगे ही। तो ये पता चला कि वांट के अंदर टेंस का भी फीचर है और इसका कोई सब्जेक्ट भी है। तो जिस वर्ब को देख के मुझे टेंस और सब्जेक्ट दोनों समझ में आ जाता है वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है। शुभ्रांशु प्लीज पुट योर क्वेश्चन। सर यहाँ वांट टू रीड, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये वर्ब है ना, मतलब रीड भी तो वर्ब ही है। एब्सोल्युटली, मैं उस पे आऊंगा लेकिन एक मिनट के बाद बेटा, पहले एक वर्ब को डिस्कस करेंगे उसके बाद दूसरे वर्ब को डिस्कस करेंगे, इसलिए तो मैंने ये तीन एग्जांपल्स लिए हैं। अब देखो यहाँ पे इन थर्ड सेंटेंस अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत मजा आएगा, सब चीज को समझोगे तो बहुत इंजॉय करोगे। अब यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है शी,
और ये सेंटेंस में वांट लिखा है मैंने, इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट कर सकता हूं मैं क्या करूं कि ये सेंटेंस सही हो जाएगा? उसमें इस लगा देंगे वांट में, वांटेड वांटेड होगा। ने कहा वांट्स करना, वेरी गुड, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जिसने वांटेड कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन पहले हम एक गलत रास्ते से चलते हैं। जब गलती समझ में आ जाएगी ना बेटा, तो सही समझना बहुत आसान होता है। तो अगर तुम सब्जेक्ट तक देखोगे तो शी के साथ वांट्स करने का तुम्हें मन करेगा और मेरा भी मन करेगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, इट इज नॉट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दैट डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं तय करेगा कि वर्ब कौन सा होना चाहिए, बल्कि सब्जेक्ट और उसके साथ साथ मुझे टेंस भी देखना है। ये क्या है बेटा यहां पे लिखा हुआ, यस्टरडे। यस्टरडे क्या है? इसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, यानी एक ऐसा वर्ड है ये जिससे किसी बीते हुए टाइम का पता चलता है। दिस इज एन एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। तो इसका ख्याल रखते हुए मुझे वांट्स नहीं, बल्कि यहां पर मुझे जो चाहिए वर्ब वो होगा वांटेड, करेक्ट। अब मैं पूछूंगा वांटेड का टेंस क्या है, वांटेड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और हर वर्ब के सेकंड फॉर्म में होता है छुपा हुआ डिड, और डिड को जब मैं बाहर करता हूं तो वी टू बदल के क्या हो जाता है बेटा, वी वन। डिड को देख के क्या पता चला, पास्ट। वी वन को देख के क्या पता चला, इनडेफिनिट। ये दोनों मिलके हो गया पास्ट इनडेफिनिट। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं कि वांटेड का सब्जेक्ट कौन है, तो तुम बोलोगे सर शी है। तो यहां पर वांटेड जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट भी मुझे दिख रहा है, इसका टेंस भी मुझे दिख रहा है। तो जिस वर्ब को देख के तुम्हें लग जाए कि वो दो चीजें, जो चीजें उसे कंट्रोल कर रही हैं, कौन कौन सी चीजें, टेंस और सब्जेक्ट, अगर ये दो चीजें किसी वर्ब को कंट्रोल करती हैं, यानी इनके अनुसार वर्ब अगर बदलता है अपना रूप, तो इसका मतलब हुआ ना कि वो उसके नियंत्रण में है कि मैं बदलूंगा तो तुम भी बदलोगे। तो ऐसे हर एक वर्ब को हम सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब मैं शुभ्रांशु का जवाब देता हूं। उन्होंने पूछा कि सर टू रीड भी तो वर्ब है ना? बिल्कुल सही है कि वो वर्ब है, मगर उसको समझोगे अच्छे से तो ज्यादा मजा आएगा। तो देखो बेटा, यहां पर मैंने कहा आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक। जब मैंने आई की जगह पर ही लगाया तो ही जैसे, यानी मैंने सब्जेक्ट बदल दिया, तो वांट को तुम्हें बदलने का मन किया और तुमने किया ही वांट्स टू रीड द बुक। यानी पहला वर्ब वांट चेंजेस टू वांट्स, वांट बदल के वांट्स हो गया, मगर टू रीड पर सब्जेक्ट के बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, टू रीड ही रहा। बल्कि ये भी वर्ब है मगर ये बदला नहीं सब्जेक्ट के साथ। अब देखो, शी वॉन्टेड टू रीड दिस बुक यस्टरडे। तीसरे केस में मैंने क्या बदल दिया, टेंस बदल दिया, मगर टेंस बदलने पर भी टू रीड नहीं बदला। यानी यहां पे टू रीड एक ऐसा वर्ब है जिस पर ना तो सब्जेक्ट का कोई कंट्रोल है ना टेंस का कोई कंट्रोल है, यानी ये इंडिपेंडेंट है, इसको सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस वर्ब को सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं होगा, उस वर्ब को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं उसको हम लोग, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। एक बार छोटा सा पॉइंट बता देते हैं, हम लोग आसानी के साथ समझ जाना बेटा, कि जिस वर्ब को देखकर तुम्हें टेंस और सब्जेक्ट का आइडिया मिल जाए, वो वर्ब उस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है, और जिस वर्ब को देखकर तुम्हें टेंस का पता ना चले और ना ही उसका कोई सब्जेक्ट हो, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये बेसिक आइडिया है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के को डिफरेंशिएट करने का, अलग करने का। हाउ डू यू नो दैट अ वर्ब इन अ सेंटेंस इज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट? The answer is very simple. A verb that changes its form
with the change in tense or with the change in subject is called a finite verb, controlled verb, limited verb, नियंत्रित वर्ब है। तो दो तरह के वर्ब हम लोगों को मिल गए। अब शुभ्रांशु अगर किसी को भी कोई सवाल है तो पहले पूछ लो, फिर मैं अगले स्लाइड पे जाऊंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सर मुझे लास्ट वाला एग्जांपल आप एक और बार समझा देंगे प्लीज। बिल्कुल, देखो बेटा इसमें लिखा है शी वॉन्ट टू रीड दिस बुक यस्टरडे। एक बात समझना है, एक अच्छी सी बात मैं तुम्हें बताता हूं सभी बच्चों को। बेटा समझ लो एक बात, तुम समझ लो कि तुम लोग चाहे कितने भी बड़े क्यों नहीं हो गए हो, ग्रामर में अपने आप को अभी एक महीना तक समझना है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। कंसिडर योर सेल्फ टू बी बिग नॉट्स, बिग जीरोस, यू नो नथिंग इन ग्रामर, कुछ नहीं जानते, ये सोच के पढ़ो। इसलिए छोटा से छोटा भी डाउट अगर आ जाए तो पूछ लेंगे। अगर जब हमको लगेगा ना मैं कुछ जानता हूं तो मुझे पूछने में शर्म आएगी। ये क्लास एक ऐसी जगह है प्यारे बच्चों जहां पे बिल्कुल बेशर्म हो जाना चाहिए इंसान को सब्जेक्ट को सीखने के लिए। इसलिए सवाल करोगे तो बहुत मजा आएगा। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें मिनिमम सवाल करना पड़े। एक बात मैं समझाता हूं कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस को जब मेरे बच्चे देखेंगे तो उनको सबसे पहली निगाह रखनी है किस किस चीज पर बेटा, सब्जेक्ट और वर्ब पर। ये दो चीजें अगर समझ में आ गई तो सेंटेंस का सेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सेंटेंस का ग्रामर भी समझ में आएगा, उसकी गलती भी समझ में आने लगेगी। खैर तो अभी पूछा शायद दीक्षा ने कि सर एक बार तीसरा सेंटेंस फिर से समझा दीजिए। समझो यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट, वाणी ने पूछा, अच्छा ठीक है बेटा, तो शी यहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, करेक्ट। शी कैसा सब्जेक्ट है, जब भी मैं पूछूं कैसा सब्जेक्ट है तो तुम्हें जवाब देना है सर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है या सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर है या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। हर सब्जेक्ट को पर्सन और नंबर से बांध दो। जैसे आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इस बात को समझोगे तो बहुत मजा आएगा तुम्हें। देखो याद रखना है कि ही इज इक्वल टू शी। अगर मैं ऐसा बोलूं तो तुमको लगेगा ना सर ये क्या क्या बोल रहे हैं आप, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ही इज इक्वल टू शी। टेक्निकली ये दोनों एक ही तरह का सब्जेक्ट है, दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो वर्ब यूज करते हैं बेटा हम लोग, अगर वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज किया जाता है, यानी जिस वर्ब में एस लगा देंगे हम। तो यहां पे अगर मैं सिर्फ सब्जेक्ट को देख करके सेंटेंस को इंप्रूव करना चाहूंगा तो मुझे कहना पड़ेगा शी वॉन्ट्स टू रीड दिस बुक। मगर क्या याद रखना हम लोगों को कि वर्ब के लिए हमें सिर्फ सब्जेक्ट को नहीं बल्कि उसके टेंस को भी देखना है। तो यहां पर यस्टरडे से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये किसी बीते हुए समय की बात हो रही है। याद रखना है वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म प्रेजेंट टेंस की बात करता है। यहां पर मुझे बीते हुए समय की बात करनी है तो बीते हुए समय के लिए मुझे क्या चाहिए, वर्ब का दूसरा फॉर्म चाहिए। यानी अगर मैं पूछूं कि यहां पर वॉन्ट्स को बदल के वॉन्टेड क्यों किया तुमने तो तुम बोलोगे सर टेंस के वजह से, टेंस के कारण। तो टेंस जुड़ा हुआ है ना इस वर्ब से, तो जिस वर्ब से तुम्हें दिखे कि कोई वर्ब है जिसका कनेक्शन टेंस के साथ है या कोई वर्ब है जिसका कनेक्शन सब्जेक्ट के साथ है, उस सभी वर्ब को तुम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर है सर? यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते थे ना हम? कौन सा फॉर्म बेटा? सर वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म भी तो वांटेड ही है। वांट का थर्ड फॉर्म भी वांटेड है बेटा, लेकिन यहाँ पे यस्टरडे है। देखो हर बात को दिमाग में रखेंगे हम लोग तो सही सेंटेंस सही बना पाएंगे। यस्टरडे को कहा जाता है एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। इसके साथ कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगा, इन नो केस। अगर मैं यहां पर सेंटेंस बोलता ऐसा She has wanted, क्योंकि
वर्ब का थर्ड फॉर्म तुम जैसे ही यूज करोगे उसके पहले तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, हैज या हैव या हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म बिना हैव के नहीं आएगा। तो हैज प्रेजेंट है और यस्टरडे पास्ट है, ये इम्पॉसिबल है, नहीं लगा सकते थे। और कोई सवाल है बोलो बच्चों? नो सर, थैंक यू। वेरी गुड। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का अंतर समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। एक बार हाँ बोल दो अगर आ गया तो। यस सर। वेरी गुड। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करना है हम लोगों को। अ लिटिल प्रोग्रेस अ डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। मैंने पहले भी कहा था देयर इज नथिंग बिग इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर में कोई भी बड़ी चीज नहीं होती है बेटा कि कुछ बड़ा सीख रहे हैं हम। देयर इज नथिंग बिग, यही छोटी 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 बातें हैं। तुम एक महीने के लिए पूरे सब्र के साथ क्लास करते रहो, तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर वो सेंस पैदा हो जाएगा जिसके बाद ग्रामर को समझना तुम्हारे लिए एक बहुत आसान इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी और तुम्हें मन करेगा कि और ज्यादा मैं पढ़ने लगूं। तुम एंजॉय करोगे ग्रामर को, और जिस दिन हमने सब्जेक्ट को एंजॉय करना शुरू कर दिया ना बेटा, उस दिन हम लोगों के मुट्ठी में है वो सब्जेक्ट। एंजॉयमेंट ऐसा होना चाहिए कि तुम बैठते पढ़ने के लिए जब बैठो तो तुम्हें खाना पीना चाय नाश्ता सब भूल जाए, तुमको याद ही नहीं रहे कि मुझे खाना पीना भी है कुछ। और इस लेवल की पढ़ाई पागलपन। वी हैव टू बिकम पैशनेट अबाउट आवर प्रेपरेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में अगर जुनून नहीं है तो तैयारी नहीं है, इसको लिख कर रख लो। जुनून होना चाहिए। जब तुम कोई चिनिया बादाम खाओ और उसका जो पेपर में लपेट के चिनिया बादाम देता उस पेपर को भी जब पढ़ने लगो तुम, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने पढ़ने में जुनून पैदा कर लिया है। ठोगा पढ़ने लगो, लिफाफा पढ़ने लगो तुम, और ये पागलपन। लोग तुमको कहने लगे पागल हो गए हो क्या? जिस दिन तुमको किसी ने कहा पागल हो गए हो, तुम उछल जाना खुशी से ये समझते हुए कि आज मैं बिल्कुल सही रास्ते पे। तो ये जुनून होना चाहिए, मजा आएगा देखोगे। अब हम एक छोटी सी बात बताते हैं बहुत प्यारे बच्चों कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट का अंतर हम समझ गए भाई। कि फाइनाइट को देखो, हम एक शब्द में लिखते हैं हिंदी में अपने सभी बच्चों के लिए। शुभ्रांशु, मुझे बांग्ला नहीं आती, सिर्फ इतना आता है कोपले नहीं घी तो ठोक टकोले होबे की, ठोक टकोले किछु होबे ना। ठीक है बेटा? तो फाइनाइट, इसके लिए मैं एक शब्द लिखता हूं, बदलता है। नॉन फाइनाइट नहीं बदलता है, और बदलता है किसके साथ? टेंस के साथ। और किसके साथ बदलता है? सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के साथ। बस ये बात तुम 100% समझ लो। इफ अ वर्ब इज देयर इन अ सेंटेंस दैट वांट्स टू चेंज विद द चेंज इन टेंस, और अ वर्ब दैट वांट्स टू चेंज विद द चेंज इन सब्जेक्ट, नोट दैट इट इज नथिंग बट अ फाइनाइट वर्ब। तो ये बात हम समझाना चाहेंगे तुम लोगों को अभी कि नॉन फाइनाइट वर्ब का जो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ये बात जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, सुनोगे गौर से, बहुत एंजॉय करना है हम लोगों को। मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। सिर्फ थोड़ा मोड़ा एसएससी एग्जाम के लिए नहीं पढ़े हम लोग अंग्रेजी ग्रामर को कम समय में एसएससी का तीन गुना चार गुना ज्यादा अंग्रेजी का कंट्रोल हो जाएगा हमारे ऊपर। घमंड नहीं करना है लेकिन उस लेवल पे पढ़ेंगे हम लोग। देखो बेटा, वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है बताओ? उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है बदलना। जो नहीं बदला वो वर्ब होकर भी वर्ब नहीं है। यानी अगर मैं पूछूंगे असली वर्ब कौन होता है तो बोलोगे सर फाइनाइट वर्ब होता है, क्योंकि यही बदलता है। क्यों बदलता है भाई? क्योंकि टेंस बदलता है तो वर्ब को बदलना ही पड़ेगा ना। और वर्ब हो के भी कौन वर्ब नहीं है? नॉन फाइनाइट वर्ब। इमेजिन करो कि वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बदला तो उसको वर्ब के फैमिली से निकाल दिया गया कि तुम जाओ यहां से, तुमको बदलना था और तुम नहीं बदल रहे हो।
तो वो निकल गया वर्ब के परिवार से। तो जाहिर सी बात है शब्द तो रहा ना, वो फाइनाइट है चाहे नॉन, वो तो वर्ब है, वर्ब है तो शब्द है, तो शब्द है तो कहीं ना कहीं पनाह लेगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले ही बता दें कि अगर जो वर्ब नहीं बदलता है तो वो वर्ब हो के भी वर्ब नहीं है तो क्या है, कभी वो नाउन है, कभी वो एडजेक्टिव है और कभी वो एडवर्ब है। याद रखना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वर्ब होने के साथ साथ उसमें काम, उसकी जिम्मेदारी, उसका काम, उसका रोल बदल जाता है। कभी वो नाउन जैसा बिहेव करने लगता है, कभी एडजेक्टिव और कभी एडवर्ब जैसा। अगर मैं तुमसे पूछूं यूं ही ग्रामर का जीके करूं, अगर तुमसे ग्रामर का जनरल नॉलेज कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या वर्ब की तरह से काम करता है, तो बोलोगे नो सर, इसका जिम्मेदारी, इसकी भूमिका बदल जाती है। तो क्या बन जाता है, तो बताओगे सर ये कभी नाउन बन जाता है, कभी एडजेक्टिव बन जाता है और कभी एडवर्ब बन जाता है। तो वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, बदलना। जो बदला वही वर्ब है और वही बदलने वाले वर्ब को कहते हैं फाइनाइट। तो असली वर्ब, द रियल वर्ब इज अ फाइनाइट वर्ब, और जो नहीं बदला वो क्या हो गया, नॉन फाइनाइट। तो ये वर्ब नहीं रहा, ये बदल गया। तो वर्ब होने के साथ साथ ये क्या हो गया भाई, इसकी जिम्मेदारी इसकी बदल गई, भूमिका बदल गई, कभी वो नाउन है, कभी एडजेक्टिव है, कभी एडवर्ब है। ये कैसे होता है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। थक तो नहीं गए ना आप लोग? नो सर। थकता नहीं है बेटा, जिंदगी में एक साल कम से कम अपने करियर को देना चाहिए बहुत सीरियस होके, उसके बाद तुम देखोगे तुमको सब कुछ आसान लगेगी और बहुत मजा आने लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्लाइड शो में आज प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दिखवाना पड़ेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको मैनेज कर लेते हैं। जब थकने लगो तो मुझे देख लो, मैं तुमसे कम से कम 20 साल 25 साल बड़ा हूं और तुमसे दुगनी मेहनत करता हूं, ज्यादा बोलता हूं, ज्यादा पढ़ता हूं, ज्यादा पढ़ाता हूं, इसलिए मस्त होके पढ़ना है बेटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, जागे रहना है, डोंट वॉच मूवीज टीवीज, डोंट स्लीप, ओके। When I am speaking, your responsibility is to keep awake and keep listening to me. Don't sleep. सोना नहीं है बेटा, मैं तुमसे एक बात का वादा करता हूं कि अंग्रेजी में तुमको मजा भी आएगा और आज के बाद कहीं जाना भी नहीं होगा, इस बात का भी पूरा पूरा हम लोग ध्यान रखा जाएगा, बहुत मजा आएगा। तुम सिर्फ साथ दे दो, किसी जमाने में गाना था, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। तो यहाँ पे नगमा नहीं सुनाऊंगा मैं तुम्हें, गाना नहीं सुनाऊंगा, मगर तुम्हें अच्छे से ग्रामर से दोस्ती करवा दूंगा, ये पक्की पक्की बात है, पक्का प्रॉमिस। अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को मैं एक मिनट का समय देता हूं, इन तीनों सेंटेंसेस को अपने नोटबुक में लिखो और तीनों सेंटेंस में जहां जहां वर्ब नजर आ रहा है उसको अंडरलाइन करो। टाइम शुरू होता है, एक मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। दिख कहां रहा सर, इसमें तो सेंटेंस ही नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर ऑल अबाउट वर्ब्स ही शो हो रहा है सिर्फ। अच्छा, ओहो, अच्छा एक मिनट को बेटा, अच्छा सॉरी सर, बार बार कंटिन्यू लिख रहा है, कनेक्टिंग लिख रहा है। अच्छा आप दिख रहा है ना बेटा? यस सर। सॉरी, आप दिख रहे हैं बच्चों को? बेटा दिख रहा है? यस सर। चलो, इन तीन सेंटेंसेस में जहां जहां वर्ब है, पहले सेंटेंसेस को नोट डाउन करो और ये बताओ कि कौन कौन सा वर्ब तुम्हें दिख रहा है, फिर बाद में बात करेंगे उसके आगे, पहले बताओ इतना। Can we start talking? Yes, sir. देखो,
फर्स्ट सेंटेंस में रैन एक वर्ब है ना? यस सर। यस सर। यस सर। और दूसरा वर्ब कौन है बेटा? टू कैच। जिस वर्ब के साथ टू लगा रहा है तो उसको टू के साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है? दूसरे सेंटेंस में एक वर्ब है एडमिटेड, दूसरा वर्ब है स्टीलिंग। एडमिट के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, पढ़ाएंगे बाद में। एंड शी जंप्ड ऑफ, ये वर्ब है, और दूसरा वर्ब कौन है? रनिंग। अब तुमसे मुझे सवाल करना है कि रैन फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? फाइनाइट। कैसे साबित करोगे? पास्ट में सर, तो ये पास्ट में है। ये बोलो कि सर इस वर्क को देख के मुझे चेंज हो जाएगा। वेरी गुड। इस वर्क को देख के मुझे, पहली बात ये बोलो कि इसको देख के मुझे टेंस पता चल रहा है, ये वी टू है यानी पास्ट इंडेफिनिट है। वी टू है, है ना, पास्ट इंडेफिनिट है। दूसरी बात कि रैन किसके लिए आया है? आई के लिए। आई इसका सब्जेक्ट है। तीसरी बात इस, हाँ वेरी गुड, सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट है कोई। अगर मैं इस पास्ट टेंस वाले सेंटेंस को मान लो प्रेजेंट टेंस में ले आऊं कि मैं बस पकड़ने के लिए दौड़ता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई रन टू कैच द बस। गौर करो, आई रैन टू कैच द बस, आई रन टू कैच द बस। तो टेंस बदला तो रन और रैन हुआ, टू कैच तो नहीं बदला ना। तो जो नहीं बदला वो कैसा वर्ब हो गया बेटा? नॉन फाइनाइट। यहां देखो, ही एडमिटेड, एडमिट करने का मतलब स्वीकार करना होता है, मानना। ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी, उसने माना कि हां मैंने पैसे चुराए हैं। तो एडमिटेड वी टू है। और अगर मान लो इस सेंटेंस के टेंस को बदल के प्रेजेंट टेंस में लाना चाहूं तो क्या होना पड़ेगा? एडमिटेड की जगह मुझे लिखना पड़ेगा ही एडमिट्स, है ना, ये V5 हो जाएगा। तो ये V2 से V5 हुआ यानी बदला, और बदला तो कैसा वर्ब है? फाइनाइट है। और यहां स्टीलिंग, चोरी करना, देखो कि मैं दो सेंटेंस बोलता हूं, ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी, ही एडमिट्स स्टीलिंग द मनी। तो स्टीलिंग दोनों केस में नहीं बदला, चाहे हमने टेंस बदल दिया लेकिन स्टीलिंग नहीं बदला। तो जो नहीं बदला वो नॉन फाइनाइट है। कोई सवाल है पहले पूछो, अगर पूछना है तो ठीक है। ये भी नॉन फाइनाइट, इसको मैं लिख देता हूं NFV। अब देखो, शी जंप्ड ऑफ अ रनिंग ट्रेन, ये जंप्ड V2 है। अगर मैं इसको बोलूं कि वो चलती हुई गाड़ी से कूद जाती है, प्रेजेंट टेंस कर दूं, तो ये जंप की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे बेटा? जंप्स, जंप, ये बदल गया यानी फाइनाइट है। लेकिन शी जंप्स ऑफ अ रनिंग ट्रेन, शी जंप्ड ऑफ अ रनिंग ट्रेन, तो रनिंग नहीं बदला यानी ये भी नॉन फाइनाइट है। तो इन तीनों केसेस में हमारे पास दो दो वर्ब हैं, एक बदलने वाला और एक नहीं बदलने वाला। जो बदला वो फाइनाइट, जो नहीं बदला वो नॉन फाइनाइट। लेकिन इन्हीं सेंटेंस में एक बात और मैं अगली बात सीखने वाला हूं। कोई बच्चा सोएगा नहीं बेटा, 5 मिनट जागे रहो, बहुत खूबसूरत खूबसूरत 3 नए टर्म सीखोगे अभी। जब कभी तुम ये देखो कि किसी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसकी सूरत, जिसकी शक्ल, जिसका रूप 2+V1 है, जैसा कि यहां पे टू कैच, तो इस नॉन फाइनाइट वर्ब को जो 2+V1 के फॉर्म में होता है उसको हम एक नाम देते हैं। क्या नाम दिया मैंने? इन्फिनिटिव। तो ये एक इन्फिनिटिव है, यानी नॉन फाइनाइट का एक रूप है इन्फिनिटिव। कब किसी नॉन फाइनाइट को इन्फिनिटिव कहेंगे? जब कोई नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म हो। अक्सर उसके साथ टू लगा रहता है, टू लगा रहना कोई जरूरी शर्त नहीं है, नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं होता है, कब होता है, यह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सेंटेंस नंबर 1 में देखो, मैं 3 बात कहता हूं। टू कैच एक वर्ब है, अग्री करते हो या नहीं?
टू कैच यहां पर एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, अग्री किया? यस सर। टू कैच वर्ब का पहला फॉर्म है, अग्रीड? yes, और किसी भी वर्ब के पहले फॉर्म को जब हम देखेंगे नॉन फाइनाइट है तो उसको कहते हैं इन्फिनिटिव। तो अगर एक शब्द में कहना हो कि टू कैच एक इन्फिनिटिव है तो बात समझ में आ गई ना? यस यस सर। दूसरा सेंटेंस देखो, ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी। यहां पर जो नॉन फाइनाइट वर्ब है बेटा वो है स्टीलिंग। स्टीलिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यहां वर्ब का पहला फॉर्म था। अब इसका अलग, इसको हम इन्फिनिटिव नहीं कह सकते, नॉन फाइनाइट दोनों है मगर दोनों इन्फिनिटिव नहीं है। तो अब यहां पे देखो छोटा सा एक सवाल मैं पूछता हूं तुमसे, व्हाट डिड ही एडमिट, उसने क्या स्वीकार किया? व्हाट डिड ही एडमिट? स्टीलिंग, स्टीलिंग, वेरी गुड। अगर एक शब्द कहेंगे ही एडमिटेड स्टीलिंग, ही एडमिटेड स्टीलिंग, उसने चोरी करने की बात को स्वीकारा, चोरी करना स्वीकारा। तो ये याद रखना है कि जब भी कभी कोई शब्द अगर व्हाट का जवाब होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं प्यारे बच्चों। व्हाट डिड ही एडमिट? स्टीलिंग। व्हाट का जवाब है स्टीलिंग और व्हाट के जवाब को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पर हम एक बात बोलेंगे कि यहां जो V4 है वो किस रूप में आया है? जरंड, ऑब्जेक्ट के रूप में। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? दुनिया में किसी भी सेंटेंस में कोई भी शब्द ऑब्जेक्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नाउन होगा। नो अदर वर्ड कैन एवर बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। नाउन के अलावा कोई दूसरा शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहां पर जो V4 है ना बेटा, इसको पहले हम बोलेंगे वर्बल, चूंकि वर्ब से बना है इसलिए वर्बल, और चूंकि नाउन की भूमिका में है इसलिए नाउन बोलते हैं इसको। तो यहां पर V4 वर्बल नाउन है और इसी वर्बल नाउन को ग्रामर की भाषा में जिरंड कहते हैं। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तीनों टर्म आज सीख जाना है बेटा, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, सिर्फ इतना सीख लेंगे हम तो आगे के क्लास में रूल समझने में बहुत मजा आएगा। और समझना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है तुमको समझाना भी पढ़ाना भी, इसलिए कोई टेंशन में नहीं बैठेगा ऐसे करके, एकदम रिलैक्स्ड, ठीक है ना। चलिए, तो जब किसी नॉन फाइनाइट वर्ब को मैं देखूंगा कि क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म है, और अगर वो नाउन की भूमिका में है, नाउन की भूमिका का मतलब होता है या तो वो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, ये सब कुछ बताएंगे हम तुमको, लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि नाउन की तीन भूमिकाएं होती हैं किसी सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। या ऐसा बोल दूं मैं कि जो शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर आता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नाउन होता है। तो ये स्टीलिंग क्या है, वर्ब है, लेकिन काम किसका कर रहा है, नाउन का। तो पहले मैं इसको नाम देता हूं वर्बल नाउन, और इसी वर्बल नाउन को अंग्रेजी ग्रामर में कहा जाता है जिरंड। तो ये दूसरा, ये जिरंड क्या है, ये नॉन फाइनाइट का दूसरा रूप है। पहला क्या था, इन्फिनिटिव, दूसरा क्या है, जिरंड। अब तीसरे सेंटेंस को देखो, यहीं पे समझाता हूं। तीसरे सेंटेंस पे नॉन फाइनाइट कौन है? रनिंग, रनिंग, रनिंग क्या है बेटा, फिर से वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, चौथा फॉर्म है। तो क्या किसी भी नॉन फाइनाइट को जो वर्ब का चौथा फॉर्म है मैं जिरंड बोल सकता हूं? जवाब आएगा नहीं। जिरंड तब बोलता मैं इसको जब ये नाउन जैसा बिहेव करता। ये कैसा बिहेवियर इसका देखोगे, ये रनिंग किसके लिए आया है, ट्रेन के लिए, ट्रेन के लिए। ट्रेन क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट नहीं, नहीं, ट्रेन यहां पर नाउन है ना,
ऑब्जेक्ट अभी नहीं बोलो यहां पे, इसको यहां पे सिर्फ एक शब्द के तौर पे देखो, ट्रेन क्या है नाउन, और हम ये जानते हैं कि एक रनिंग जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो एक शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो यहां पर रनिंग को पहले हम नाम देते हैं वर्बल एडजेक्टिव, और इसी वर्बल एडजेक्टिव को हम ग्रामर की भाषा में बोलेंगे पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल। तो ये तीसरा रूप हो गया नॉन फाइनाइट का। तो दो बातें हम लोग अभी सीखेंगे, सिर्फ दो याद रखना है बेटा। वैसे वर्ब जो सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के साथ अपना रूप नहीं बदलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है, तीन तरह के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, इंफिनिटिव। कब? जब नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला फॉर्म हो। फिर किस दूसरे को क्या कहते हैं हम, जिरंड। जब नॉन फाइनाइट वर्ब किसी नाउन का काम करे, वर्बल नाउन कहलाएगा वो जिरंड है। और तीसरा क्या टाइप है नॉन फाइनाइट का, पार्टिसिपल। इसको समझने की कोशिश कर, पार्टिसिपल। वेरी गुड। एक मिनट मैं यहां पे लिख के बता देता हूं, इसके बाद हम लोग क्लास को सिर्फ वर्ड्स डिस्कस करेंगे दो मिनट में, फिर क्लास खत्म करेंगे। कोई बच्चा, मैं नहीं चाहता कोई थका हुआ बच्चा पढ़े। जब थक जाओगे तो बोलना सर अब थक गया मैं या थक गई मैं, तो मैं वहां पर क्लास 5-7 मिनट में वाइंड अप कर दूंगा। लेकिन थकना नहीं बेटा, एक साल अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दो अपने जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। तुम बिल गेट्स का नाम जानते हो, स्टीव जॉब्स का नाम जानते हो, जैक वेल्च का नाम जानते हो, ली आया कोका का नाम जानते हो, ये सभी बड़े बड़े कामयाब लोग हैं दुनिया के। और ये लोग एक एक दिन में अभी भी 60 साल 70 साल 75 साल की उम्र में 15-15, 16-16 घंटे काम कर लेते हैं। इसलिए कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा मैं थक गया। थकना बिल्कुल नहीं है, जब तक कि तुमको ये एहसास ना हो कि आज मेरे नाम की वजह से मेरे माँ बाप का सीना चौड़ा हो गया, उनको आज गर्व है मेरे पर, उस दिन थक के बैठ जाना। लेकिन जब तक उनको गर्व ना हो तुम्हारे कामयाबी पे, उस दिन तक मेहनत करना है बेटा। सबसे बड़ा कर्ज माँ बाप का होता है, उनको हम लोगों को खुश करना हम लोगों का सबसे बड़ा फर्ज है। मेरे माँ मेरे बाप हमसे खुश रहने चाहिए, बहुत खुश रहने चाहिए, मेरे प्रेजेंस में भी मेरे एब्सेंस में भी। ऐसे माँ बाप तो इतने अच्छे लोग होते हैं कि हम बुरे भी होंगे तो मेरे माँ बाप हमको प्यार करते हैं। लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी है कि अपने माँ बाप को के आंख की ठंडक बने। जब मेरे बाप मेरी माँ मुझे देखें तो उनको आंख में ठंडक महसूस हो, खूब बहुत शांति लगे कि हाँ मेरी बेटी है, उनको गर्व होना चाहिए, तब मजा आएगा। देखो बेटा एक छोटा सा बात लिख देता हूं यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझना। अगर तुमको अब हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट, कभी भी तुम नॉन फाइनाइट सुनोगे तो इसको सुनते ही तुम्हारे दिमाग में 2-3 शब्द आने चाहिए। पहली बात क्या आना चाहिए नॉन फाइनाइट सुन के बेटा तुम्हारे दिमाग में, कि वो चेंज नहीं होता। ब्यूटीफुल वाणी, दिस इज अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन सब्जेक्ट एंड टेंस। वेरी गुड। और दूसरी बात क्या आना चाहिए बेटा तुम्हारे दिमाग में, कि जैसे ही तुम नॉन फाइनाइट सुनो तो नॉन फाइनाइट सुनने के बाद थोड़ा सा पेन टैप इधर उधर होता है, लाइन अलग हो जाती है। तो नॉन फाइनाइट सुनने के बाद दूसरी बात बच्चों को क्या याद रहनी चाहिए, कि नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। एक है इंफिनिटिव जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है, एक है जिरंड जो हम सब कुछ लिख के भेजेंगे, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, वर्ब का चौथा फॉर्म होता है और नाउन जैसा बिहेव करता है। और एक है पार्टिसिपल जो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, और भी फॉर्म्स होता है पार्टिसिपल में, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, और एडजेक्टिव जैसा बिहेव करता है। तो तुम बोलोगे सर जिरंड नाउन जैसा बिहेव करता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव जैसा बिहेव करता है, इन्फिनिटिव कैसा बिहेव करता है? तो इसका जवाब है इन्फिनिटिव नाउन जैसा बिहेव करता है कभी कभी, एडजेक्टिव जैसा बिहेव करता है, और कभी एडवर्ब जैसा बिहेव करता है। इसका 3 रूप तुमको नजर आएगा आने वाले दिनों में। तो ये है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच का इंट्रोडक्टरी डिस्कशन। अगर किसी भी बच्चे को कोई सवाल है तो वो पूछ ले।
सर हम लोग टेंस में ये भी तो पढ़ते ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वगैरह ये वर्ड यूज करते हैं। बिल्कुल, तो ये बात समझा देते हैं। अच्छा अच्छा सवाल कर दिया माजिद ने। देखो बेटा एक बात को समझो, मैं क्या हूं, तुम्हारा टीचर हूं, तुम मुझे सर बोलते हो, कैफी सर, लेकिन मेरा बेटा मुझे सर नहीं बोलता है, वो मुझे अब्बा बोलता है, अब्बा। तो एक ही आदमी है ना, कहीं पे टीचर है कहीं पे बाप है ना। तो उसी तरह से बहुत अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चों, खूबसूरत बच्चों, स्मार्ट बच्चों, दुनिया के भविष्य बच्चों, ये समझो कि वर्ब का चौथा फॉर्म अगर ये फाइनाइट है, तो हम पहले तुमको बता चुके हैं, अगर ये वी फोर फाइनाइट वर्ब है, बदलने वाला है अगर प्यारा बच्चा, तो उसका काम है कंटिन्यूअस टेंस बनाना। यहां भी इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फाइनाइट वर्ब है, लेकिन जब ये नॉन फाइनाइट होगा ना बेटा वी फोर, तो ये दो अलग अलग काम करने लगता है, कभी नाउन जैसा काम करता है, कभी एडजेक्टिव जैसा काम करता है। तो एडजेक्टिव जैसा काम करता है तब इसको यहां भी प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो तुम ये पूछो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा है, फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट, तो हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट, तो बोलोगे सर एडजेक्टिव है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा है, मैं बोलूंगा फाइनाइट, तब बोलोगे सर कंटिन्यूअस टेंस बनाएगा। और ये नाउन है, नाउन के केस में इसको पार्टिसिपल नहीं बोलते हैं, इसको जेरंड बोलेंगे। तो एडजेक्टिव, तो याद रखना है कोई भी पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म भी अगर ये फाइनाइट है तो क्या करेगा, कौन बताएगा? फाइनाइट है तो टेंस बनाएगा, कंटिन्यूअस टेंस। फाइनाइट है तो टेंस बनाएगा, नॉन फाइनाइट है तो कुछ इसका रूप बदल जाएगा। फाइनाइट है तो क्या करेगा, वी थ्री परफेक्ट टेंस बनाएगा, जहां वी थ्री है वहां परफेक्ट है। आई हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैड ईटन पास्ट परफेक्ट, आई विल हैव ईटन फ्यूचर परफेक्ट। और नॉन फाइनाइट होगा तो क्या होगा, वी थ्री, इसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट, और ये काम करेगा एडजेक्टिव का। तो ये समझना है वर्ब को सेंटेंस के अंदर। पहली बात, आज तुम अपना चश्मा बदल दो और ये बोलो कि आज से मैं वर्ब को जब भी सेंटेंस में देखूंगा उसको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के चश्मे से देखना है। चश्मा लगाना है फाइनाइट नॉन फाइनाइट वाला, अच्छा ये फाइनाइट है, अच्छा ये नॉन फाइनाइट है। देखोगे हाँ या ना? यस सर, एक बात समझना है अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चों, कि हम लोग यहां पे जमा हो गए जितने बच्चे भी हैं। तो ये मैंने पहला पहला इस तरह का बैच शुरू किया है, जब से मैं मतलब सोच रहा हूं बेटा इंग्लिश पे मेहनत करना। मैं 16 साल से पढ़ा रहा हूं अंग्रेजी, 16 years, बल्कि 17 साल हो जाएगा, हो गया करीब करीब 17वां साल शुरू हो गया कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। और उन बच्चों को जो बहुत कमजोर थे, बहुत वीक, डरने वाले, घबराने वाले बच्चे, और वैसे बच्चे जो IIT खड़गपुर में पढ़ने वाला बच्चा, दोनों ही तरह के बच्चों को हमने पढ़ाया है अपने करियर में। और मैं एक बात कॉमन होती है सब बच्चों में जानता हूं कि ग्रामर में अंग्रेजी बोल लेना एक अलग बात होती है, ग्रामर को समझना एक एकदम ही अलग बात है। वैसा ही जैसा कार चलाना और कार के इंजन का मैकेनिक होना। हम कार चलाते हैं लेकिन कार में थोड़ी सी उसका बोनट खोलना भी हमको नहीं आता अच्छे से, कैसे खुले गई। तो हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं ना बेटा, अंग्रेजी के स्ट्रक्चर पे, उसके कल पुर्जे पे काम कर रहे हैं। हम लोग इंजीनियर्स हैं, लैंग्वेज के इंजीनियर्स हैं, और इंजीनियर्स को पार्ट पुर्जा का नाम मालूम होता है और उसको यह भी होता है कि ये कहां पे फिट होगा, अगर गलत जगह लगा देंगे तो गड़बड़ काम करेगा। और ये करना है हम लोगों को। मैं सिर्फ इतना एक बात जानता हूं कि मेरा बच्चा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके मुकाबले में कोई खड़ा हो जाए, इंग्लैंड का पढ़ा हुआ आदमी, ग्रामर में उस मेरे बच्चे से एक कदम भी आगे कोई नहीं होना चाहिए। कैसे अचीव करेंगे? टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, डाउट्स पूछ लेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि सर बता देंगे। और ये बात कभी कभी बच्चा नहीं पूछता है सर से,
ये सोच करके कि कहीं सर को भी नहीं आता होगा तो बेचारे बेइज्जत हो जाएंगे। तो मेरी इज्जत का ख्याल मत करना बेटा प्लीज, मैं अपनी इज्जत मैनेज कर लूंगा। तुम सवाल करते रहो करते रहो करते रहो। तो आज अगर मैं बोलूं कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब को अलग अलग पहचान लोगे? यस सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन टू, प्लीज टेल मी। सर V5 इनफाइनाइट में आएगा या नॉन इनफाइनाइट में? बेटा नॉन फाइनाइट के तौर पे देखो, वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 V5। इसमें केवल ये V1 फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों हो सकता है, V3 और V4 फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों हो सकता है, V2 कभी भी नॉन फाइनाइट नहीं होगा और V5 भी कभी भी नॉन फाइनाइट नहीं होगा। नॉन फाइनाइट केवल V1 होता है, V3 होता है और V4 होता है। क्लियर हो गई बात? यस सर, थैंक यू, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। और कोई सवाल है तो अगर कोई पूछे कौन कौन सा वर्ब फॉर्म नॉन फाइनाइट हो सकता है, खटाक से बताओ सर। V1 V3 V4 V2 V5 कभी हो सकता है नॉन फाइनाइट? इम्पॉसिबल। माजिद क्वेश्चन प्लीज। सर आपने जो बताया वो पार्टिसिपल का, काइंडली एक बार और रिपीट कर दे सर। क्या 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 आपने समझाया हम लोगों को, एक बार काइंडली रिपीट कर दे सर। काइंडली रिपीट कर दे सर एक बार और पार्टिसिपल के बारे में। काइंडली रिपीट कर दे एक बार कि वर्ब के दो फॉर्म को, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब के फोर्थ फॉर्म का नाम होता है पार्टिसिपल। इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब तुम्हें यह देखना है कि इसका नाम तो चाहे वो फाइनाइट वर्ब हो या नॉन फाइनाइट, नाम इसका पार्टिसिपल ही है। तो अब देखेंगे V4 को, अगर ये फाइनाइट है यानी क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और फाइनाइट है तो इसका काम है कंटिन्यूअस टेंस बनाना। आई एम टीचिंग प्रेजेंट Sir, your voice is not coming. बच्चे हैं मौजूद? Yes sir. Yes sir. Yes sir. आवाज चली गई थी। तो finite verb जो होता है ना माजिद, वो tense बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि V4 जो है, ऐसा नहीं कि V4 फाइनाइट है, ये दोनों हो सकता है, ये फाइनाइट भी हो सकता है नॉन फाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट होगा तो कंटिन्यूअस टेंस बनाएगा, नॉन फाइनाइट होगा तो ये या तो नाउन जैसा बिहेव करता है V4 या एडजेक्टिव जैसा बिहेव करता है। जब ये नाउन जैसा बिहेव करता है बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिरंड। और जब एडजेक्टिव जैसा बिहेव करता है तो उसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही रहता है। तो अब तुमको यह देखना है कि नॉन फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वो एडजेक्टिव है, फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वो कंटिन्यूअस टेंस बनाने की जिम्मेदारी है उसकी। क्लियर है कुछ कुछ? बहुत क्लियर है सर। वेरी गुड। चलिए और भी आज के स्लाइड में काम है लेकिन अभी हम लोग थोड़ा चलते हैं वर्ड्स की तरफ। अगला वाला स्क्रीन शेयर करते हैं और ये रहा वो स्क्रीन आपके सामने। और वर्ड्स में सिर्फ क्या करेंगे बेटा, हम सिर्फ सही आंसर बता देंगे और तुमको सॉल्यूशन भेज देंगे। हर दिन शब्दों को डायरी में लिखना है, एक दिन भी मिस मत करना बेटा किसी भी कीमत पे, चाहे ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, मुहर्रम हो, अखाड़ा हो, कुछ भी हो, मगर तुम अपनी पढ़ाई एक साल मत रोकना। जिंदगी भर अच्छे से पर्व त्योहार मनाते रहोगे और पढ़ाई रोकोगे तो अभी भी मुश्किल और तभी भी मुश्किल। देखो हमने किया क्या है बेटा आज तुम्हारे लिए, कि जो वर्ड्स मैंने भेजे थे
हर वर्ड के सामने उसका एक सिनोनिम लिख दिया एडिक्यू। अब हम बदला ग्रामर का, वहीं तक डिस्कशन है, वहां से आगे की बात कल के क्लास में करेंगे। एडिक्यूएट का मतलब होता है पर्याप्त या सफिशियंट। ब्लेंड का मतलब होता है वर्ब के तौर पे मिक्स कर जाना या मर्ज कर जाना, मिल जाना, मैच कर जाना। कैलामिटी का मतलब होता है डिजास्टर। जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, तुम लोग कर चुके हो सिर्फ, हमने वादा किया था सिर्फ डिस्कस कर देंगे आंसर। क्लाइंबर का मतलब होता है चढ़ना, चारों हाथ पैर लगा के, जैसे दीवार पे चढ़ना होगा तो चारों हाथ पैर लगा के चढ़ेंगे हम, तो हम क्लाइंबर कर रहे हैं। डिकेड का मतलब होता है एक दशक, 10 साल की एक मुद्दत। फिकल का मतलब होता है इनडिसाइसिव, वैसा इंसान जो फैसला नहीं कर पाता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। होरी का मतलब होता है बाल के लिए यूज करते हैं, पका हुआ ग्रे बाल को कहते हैं, सिल्वरी को, बुरे बाल पक्के उजला हो जाता है वो होरी है। इंटरवीन करने का मतलब मीडिएट करना होता है, यानी बीच में पड़ना, दो लोगों के बीच झगड़ा हो गया तो कोई आदमी इंटरवीन कर रहा है तो मीडिएट कर रहा है। सर गाउंट छूट गया, क्या छूट गया? हाँ, गाउंट का मतलब होता है पतला दुबला, इमेशिएटेड, जो खाने की कमी के कारण या बीमारी के कारण दुबला पतला हो गया, गाउंट है। लेवी का मतलब वर्ब के तौर पे होता है चार्ज करना या कलेक्ट करना, टैक्स को, कर टैक्स, टैक्स को लेना। मिसगिविंग का मतलब होता है डाउट, शक, संदेह। पॉन्डर का मतलब होता है थिंक, पैरामाउंट का मतलब सुप्रीम, बहुत, हम कहेंगे इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, इट इज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस। फिर है पॉन्डर, थिंक अबाउट, सोचना, जैसे मैं कर रहा हूं, सोच रहा हूं, तुमने कोई सवाल किया मैंने ऐसे करना शुरू कर दिया तो मैं पॉन्डर कर रहा हूं। टावरिंग, टॉल, ऊंचा, है ना? तो ये हो गए कुछ वर्ड्स, और नीचे में चार वर्ड्स हैं। अलीजियंस, अलीजियंस का मतलब होता है वफादारी, लॉयल्टी। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, एसोसिएशन। एक्सिस उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं जिसके चारों ओर कोई चीज घूमती है, जैसे अर्थ का एक्सिस होता है। और एक्सल एक रॉड को बोलते हैं जिसमें चक्का लगता है, चक्का, गाड़ी का चक्का या रिक्शा का या साइकिल का चक्का, वो एक्सल होता है। तो ये 18 शब्द थे, जल्दी जल्दी इसको हम आंसर कर देते हैं तुम्हारे लिए, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। पहले सेंटेंस में जो राइट वर्ड है वो है द, अरे अरे द अर्थ यहां पर लिखना होता है, छूट गया है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, पहले वाले केस में एक्सिस को लगेंगे सही वर्ड होगा, ठीक है। वंस एवरी 24 आवर्स, अपने आंसर मैच कर लोगे, कहीं दिक्कत होगी तो पूछ लेना अंत में। बॉय स्काउट्स ऑलवेज प्लेज अलीजियंस टू देयर कंट्री, बॉय स्काउट अपने कंट्री की वफादारी की कसम खाते हैं। द व्हील्स ऑफ द वैगन विल टर्न मोर स्मूथली इफ यू पुट ग्रीस ऑन द एक्सल, एक्सल पे अगर ग्रीस लगा देंगे तो इसके चक्के और आसानी के साथ घूमेंगे। द फ्री कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग अलायंस, दुनिया के जितने स्वतंत्र मुल्क हैं उन लोगों ने एक मजबूत गठबंधन बनाया है। तो ये चार वर्ड्स हो गए, यहां पे भरेंगे हम लोग इंटरवीन। इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछ लो, आंसर मैं बना के भेज देता हूं। किसी क्वेश्चन में डाउट है 1 से लेके 14 तक तो पूछ लो, जो तुम्हें समझ में नहीं आया। सर फोर नंबर, नंबर फोर में टू रीच द शोर वी हैड टू क्लाइंबर डाउन अ रॉकी लेज, एक चट्टानी चट्टानी चट्टान से उतरना पड़ा समंदर के किनारे पहुंचने के लिए। तो चट्टान से होके हम लोग उतरे, क्लाइंबर डाउन, तो चट्टान पे आदमी हाथ पैर चारों लगा के चढ़ता है, तो क्लाइंबर अप और क्लाइंबर डाउन, अगर उतरेंगे तो क्लाइंबर डाउन कर रहे हैं और चढ़ रहे हैं तो क्लाइंबर अप कर रहे हैं। आगे पूछो, एक बार बता देते हैं, लिखेंगे बाद में, तुमको लिख के फॉर्म भेज देंगे। ही इज टू फिकल, यहां पे पढ़ेंगे फिकल टू बी काउंटेड ऑन, ही हैज ऑलरेडी चेंज साइड 3 times, वो बहुत फिकल है यानी इनडिसाइसिव है, फैसला नहीं कर पाता है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
वो पहले ही तीन बार अपना साइड बदल चुका है. द टाउन काउंसिल डिसाइडेड टू लेवी अ टैक्स ऑन ऑल बाइसिकल्स. यहां पे भरेंगे लेवी. ठीक है. नोइंग हिज केयरलेस हैबिट्स, यानी उसके लापरवाही की आदतों को जान. आई विल राइट डाउन ऑल, उसको मैं येलो कर दूंगा, बाद में हाईलाइट कर दूंगा. ठीक है. नोइंग हिज केयरलेस हैबिट्स आई डिड नॉट गिव हिम द बुक विदाउट मिसगिविंग. यानी मैं जानता था कि वो एक इंसान है जो कि केयरलेस है, लापरवाह इंसान है, तो मैंने उसको जो पुस्तक दी उसको, मगर बिना मिसगिविंग के नहीं दिया, यानी संदेह के साथ दिया कि पता नहीं अब मेरी पुस्तक मुझे वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जानता था कि वो इंसान लापरवाह है. Try to find curtains that will blend with the green of the walls. वैसा पर्दा ढूंढने की कोशिश करो जो दीवार के हरे रंग के साथ मिक्स कर जाए. Before the examination begins, make sure that there is an adequate. क्लास कैसा लगता है तुम जरूर से मैसेज करके बताना मुझे. अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तो मैसेज में लिखोगे व्हाट्सएप पे, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या जोड़ना है, क्या घटाना है. हर एक बात लिखोगे. अगर अच्छा लगता है तो जरूर से अप्रिशिएट करोगे, सर क्लास अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मुझे भी पता चले कि मैं क्या कर रहा हूं तुम लोगों के साथ. लिखोगे तो दूसरे बच्चों को भी पता चल जाएगा. खैर, तो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ इंक इन ईच रूम. द ओल्ड मैन वॉज बॉल्ड, वो बूढ़ा आदमी बॉल्ड था, गंजा था, एक्सेप्ट फॉर अ फ्रिंज ऑफ होरी हेयर, कि सिर्फ उसके सर पर एक फ्रिंज था, बाउंड्री थी पके हुए बालों का, चारों तरफ बाउंड्री था पका, बाकी वो गंजा था. द प्रोफेसर सीम टू पॉन्डर बिफोर फॉर सेवरल सेकेंड्स बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन. प्रश्न का जवाब देने से पहले ऐसा लगा कि कुछ देर उन्होंने सोचा, फिर जवाब दिया. वी हैव टू मेक अ वे पास्ट टावरिंग क्लिफ्स, ऊंचे ऊंचे चट्टानों से होके गुजरना पड़ा हम लोगों को. टावरिंग का मतलब टॉल. इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, यानी बहुत आवश्यक है टू हैव सफिशियंट लाइफ गार्ड्स ऑन ड्यूटी एट द स्विमिंग पूल. अ वीक ऑफ वेट वेदर इन द मिडल ऑफ द हार्वेस्ट वुड बी अ कैलामिटी, कि फसल के कटाई के समय अगर एक हफ्ता बारिश हो जाए, वेट हो जाए मौसम, भीगा मौसम हो जाए, तो ये एक तबाही होगी. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रास ऑन द रेंज, मैदान में घास की कमी के कारण, द हॉर्सेस वर गाउंट एंड हंग्री, जो घोड़े थे सबके सब दुबले पतले हो गए थे, इमेशिएटेड और भूखे थे. फ्रॉम 1920 to 1929 दिस कंट्री एंजॉयड अ डिकेड ऑफ प्रॉस्पेरिटी. 1919 से 1929 तक इस कंट्री ने तरक्की का एक दौर देखा है. यही सब, कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ लोगे. सेंटेंस पढ़ के समझना भी है, सिर्फ शब्द नहीं डाल देना, बल्कि सेंटेंसेस को समझना है अच्छी तरह से. ठीक है, कहीं कोई डाउट है तो जरूर पूछना. हम तुम्हारे लिए 14th वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. 14th क्लास वाला बेटा. यस सर. ये कह रहा है फ्रॉम 1919 to 1929, 1919 से लेकर 1929 तक, दिस कंट्री एंजॉयड अ डिकेड ऑफ प्रॉस्पेरिटी. इस मुल्क ने एक दशक एंजॉय किया है तरक्की का, यानी 10 साल तक लगातार तरक्की ही तरक्की हो रही थी, तो 10 साल की मुद्दत को डिकेड कहते हैं. इट वॉज अ डिकेड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जैसे 100 साल को सेंचुरी बोलते हैं. क्लियर है? थैंक यू सर. फाइव में पॉन्डर नहीं हो सकता है क्या? इसमें पाइप में पॉन्डर इसलिए नहीं होगा बेटा कि यहां सेंटेंस के पूरे कॉन्टेक्स्ट को लोगे, कि मैं चूंकि जानता था कि वो इंसान लापरवाह है, तो किसी लापरवाह इंसान को हम कोई सामान देंगे तो सोचेंगे. सोचने का मतलब होता है किसी चीज को डीपली सोचना, किसी चीज के कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, विचार करने के लिए. यहां पे उस लापरवाह इंसान को मैं सामान दे रहा हूं तो मुझे शक होगा, मिसगिविंग होगा. और दूसरी बात यह भी है बेटा कि विदाउट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा, पॉन्डर एक वर्ब है, ऐसे भी नहीं होगा. यस सर. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं है. चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं.
और बहुत मेहनत करेंगे हम लोग मिलकर, 7 महीने में काया प्लट करनी है अपनी वोकैबुलरी रीडिंग ग्रामर में। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, सवाल जितना कीजिएगा क्लास उतना मजेदार होगा, सवाल पूछते रहिए। गुड नाइट, स्लीप टाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट वन एंड ऑल। थैंक यू सर।